नीतीश कुमार जी गाइडलाइन पर रहे थे, उनको बदनाम किया गया कि प्रवासी के चलते यहाँ कोरोना बढ़ा। रेवड़ी बांटते हैं, 5 किलो अनाज दे देंगे, उससे जीवन चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। एक तरफ जहां पटना में राबड़ी आवास के बाहर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव नीतीश सरकार के खिलाफ थाली पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है। आप देख सकते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के सीनियर लीडर हैं और वो थाली लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। उनके साथ गरीब मजदूर भी हैं, कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने लूटने का काम किया है, लाखों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और ये 5 किलो अनाज बांट कर सबका उद्धार करने चले हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। बिहार प्रदेश में हमारे 30 लाख कामगार मजदूर प्रवासी, जिनको बोलता है देशवासी, बोलता प्रवासी, और वो सभी वापिस घरे आ गए और करीब 40-50 लाख की संख्या में अभी बाहर ही है। सब आना चाहते हैं घरे, लाने में विलम्ब हुआ और उनको बदनाम किया गया जो प्रवासी के चलते यहाँ कोरोना बढ़ा। क्यों देर किया लाने में, वापिस लाने में? मंत्र पढ़ रहा था नीतीश कुमार जी, गाइडलाइन पढ़ रहे थे, हमारे लोग छटपटा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग पैदल चल दिया, बाल बच्चा गठरी मोटरी लेकर के, भूखे प्यासे, न कोई लाने वाला है न देखने वाला है। ट्रेन जब पिचा करके, ट्रेन से हाईवा से पिचा कर 200-400 लोग मर गए, 100 से 200 लोग ट्रेन में मर गए, बस में मर गए, पैदल आने में तो लाखों लोग मरे हैं और कोई उसको देखने वाला सुनने वाला नहीं है। कहते हैं मजदूर के इंजाम करेंगे, ये रेवड़ी बांटते हैं, 5 किलो अनाज दे देंगे, उससे जीवन चलेगा। रोजगार चाहिए सबको, काम चाहिए और काम देना पड़ेगा, नहीं तो इनको सरकार से हम लोग हटा कर छोड़ेंगे। सब मजदूर, किसान, नौजवान एकजुट हो गए हैं। बेरोजगारी का खिलाफ मूल मुद्दा है, यहाँ रोजगार नहीं मिला, काम नहीं मिला, रोटी के चक्कर में बाहर लोग चले गए, देश भर के विभिन्न हिस्सों में, जबलपुर में, कोचीन में, केरल में, बंगलोर में, तमिलनाडु में, मुंबई में, गुजरात में, असम में, सब जगह चारों तरफ हमारे लोग गए काम करने के लिए, मेहनत पसीना बहा करके रोटी हासिल करने के लिए। अचानक लॉकडाउन कर दिया, अचानक लॉकडाउन करके देश के साथ है सुल्तानी आपदा नरेंद्र मोदी ने किया है, कोई मजदूरों का, गरीबों का ख्याल नहीं किया। जब मजदूर वहाँ भुखमरी, ठेकेदार लोग काम भाग गया, मजदूरी देना बंद कर दिया, कंपनी ठक, कारखाना सब बैठ गया, हमारे मजदूर जब भुखमरी के शिकार होने लगे, जैसे तैसे कोई साइकिल से, कोई ठेला से, कोई पैदल, बाल बच्चा के लेकर के सामान अपना मूरी पर लाद करके रास्ते में भूखे प्यासे मरे, कोई उसको देखने वाला नहीं है, इंजाम करने वाला नहीं। यहाँ भी आ तो क्वारंटाइन में रहो, में जगह नहीं है तो होम क्वारंटाइन में जाओ, मारा पीटी क्वारंटाइन में, न खाने का इंजाम है, न सफाई का, नहीं रहने का। इसलिए सरकार पूर्णतः विफल हो गई है, मजदूर किसान का इनके पास कोई ख्याल नहीं है, ये पूंजीपति के काम कर रहे हैं और आर्थिक संकट हो गया देश में, नीचे चला गया GDP ग्रोथ, शून्य से नीचे चला गया और काम नहीं मिलेगा तो गरीब आदमी जो मेहनत करके खाता था कहाँ से खाएगा? भुखमरी से देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा, सब लोग को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। ये जो किसान मजदूर विरोधी हुकूमत है, गरीब विरोधी हुकूमत है, उसको हटाना पड़ेगा। अमित शाह लोग को बरगनाने के लिए विजुअल कहते, विजुअल रैली है, ये जाली रैली है। सीएम नीतीश भी रैली कर रहे हैं, सीएम नीतीश भी कर रहे हैं, नीतीश भी सब तो एक है, दोनों अभी मिले हुए हैं, कह पड़ोसन मोर सन हम कह। लेकिन आपका नारा है अभी बीजेपी भगाएंगे, सबके NDA, सबके हम जो सरकार में है सबके खिलाफ हम मोर्चा बना रहे हैं, आ इन्हें सब कोई एकजुट हम कर रहे हैं, आ एकजुट लोग हो गए हैं, इसलिए इनको हटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अच्छा, विरोधियों का गाना है थाली बजाना है, आपका नाटक है, क्या कुछ कहना? गरीब के थाली खाली है तो कने गए मिल रहा, गरीब में थाली बता रहा है, थाली खाली कहाँ से रोटी खाएगा? मेहनत मजदूरी करता था, काम मिलता था तो उससे रोटी चलती थी, कहाँ है काम? क्वारंटाइन सेंटर वो बिहार सरकार, क्वारंटाइन सेंटर फेल है, लूट का अड्डा है, एक आदमी पर 54
54 रुपया ना खर्चा किया है, इसको जांच हो छानबीन करवाई। आगे क्या करेगी मजदूरों के लिए, आगे मजदूरों के लिए राष्ट्रीय जनता दल क्या करेगी? होकर के हम लोग जान लगा देंगे, सारी शक्ति झोंक देंगे गरीब मजदूर किसान के लिए, नौजवान के। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के नीतियों के खिलाफ राजद प्रदर्शन कर रहा है, थाली पीट रहा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार ने बिहारी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया, क्वारंटीन सेंटरों में सही से व्यवस्था नहीं की गई। और यही मुद्दा था जब रघुवंश प्रसाद सिंह मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उतर आए हैं। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए liveCities.in पर जाएं। धन्यवाद।